हाय फ्रेंड्स, आई एम अरिजीत दास। वेलकम टू माय चैनल अरिजीत दास फोटोग्राफी। आज हम लोग आए हैं बहुत ही नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। आज हम लोग बात करेंगे 5-in-1 रिफ्लेक्टर के बारे में। तो शायद आप लोग देखे हैं कि आउटडोर फोटोशूट में एक बहुत ही सर्कुलर जैसा बड़ा चीज़ लेकर फोटोशूट करते हैं, तो वो एक्चुअली क्या होता है और आउटडोर में इसको हम कैसे यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करने में क्या क्या बेनिफिट है, आज इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है 5-in-1 रिफ्लेक्टर। शायद दिखने में बहुत ही छोटा लग रहा है, पर इतना छोटा है नहीं। तो एक्चुअली ये क्या है ना, ये बैग के अंदर फोल्ड करके रखा हुआ है, इसीलिए बहुत ही छोटा लग रहा है। तो खोल कर दिखाते। ये है 5-in-1 रिफ्लेक्टर। तो इसको हम 5-in-1 रिफ्लेक्टर क्यों कहते हैं? इसको हम 5-in-1 रिफ्लेक्टर इसीलिए कहते हैं कि एक ही चीज़ लेकर हम 5 और 6 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको 5-in-1 रिफ्लेक्टर कहते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके हम समझा देते हैं। तो हाँ, ये है मेरा फ्रेंड राजीव, जो मेरा आज वीडियो का मॉडल का काम कर रहा है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिफ्लेक्टर के सिल्वर साइड के लिए। तो ये है रिफ्लेक्टर के सिल्वर साइड। इसका क्या काम है? इसका काम है लाइट को बाउंस करना। तो शायद आप लोग देख रहा है कि लाइट का डायरेक्शन इधर से है, तो लाइट क्या कर रहा है, लाइट इधर से आकर इस पे ऊपर पड़ेगा तो फिर बाउंस होगा। तो मॉडल जब सामने की तरफ देख रहा है तो मॉडल के उस साइड पे शायद आप लोग देख पा रहे हैं कि उस साइड ज़्यादा लाइट है या दूसरे साइड पे शेडो आ रहे हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे ना, हम लोग इसको ऐसे पकड़ेंगे तो लाइट जाकर इसके ऊपर पड़ेगा, फिर मॉडल के दूसरे साइड पे पड़ेगा, फिर जाकर जो मॉडल पे जहां शेडो था वहां शेडो नहीं आएगा। तो आप लोग देख पा रहे, तो ऐसे पकड़ेंगे तो देखिए शेडो नहीं आ रहे, शेडो आ रहे, और इसको हटा देते हैं तो शेडो आ रहे। बस इसका और एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं, फ्लैश लेकर, ऑफ कैमरा फ्लैश जैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम लोगों को चाहिए बहुत ज़्यादा हार्ड लाइट चाहिए होता, तो हम लोग क्या करते हैं ना, फ्लैश को पेयर कर लेते हैं, उसके बाद ऐसे पकड़ेंगे, फिर जाके मॉडल के ऊपर ऐसे देंगे, ऐसे रखेंगे, तो शायद हम लोग देख पा रहे कि ऐसे करके भी हम लोग क्रिएटिवली फ़ोटोशूट कर सकते हैं। सिल्वर साइड की अपोजिट साइड, इस साइड में ब्लैक साइड। इसका क्या काम है? ये एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग का काम नहीं करता है, ये एक्चुअली लाइट कट करने के लिए काम करता है। तो आप लोग शायद देखे हैं कभी कभी जो आउटडोर शूट करने जाते हैं तो कभी कभी इधर उधर से अनवांटेड लाइट आ जाता है, तो वो लाइट हम लोग गार्ड कर देते हैं इसके मदद से। तो शायद आप लोग देख रहे हैं इस साइड से लाइट आ रहे, तो हम लोग इस साइड लाइट नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम ऐसे पकड़ के ऐसे दे देंगे, तो क्या होगा, देखिए ज़्यादा लाइट नहीं आ रहा, लाइट ही आना बंद कर दिया। बस इसका काम यही है। और एक इसको यूज़ कर सकते हैं मॉडल के पीछे बैकड्रॉप के जैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके पीछे ऐसे पकड़ेंगे तो वो जो मॉडल के पीछे लगा के क्रिएटिवली भी फोटोशूट कर सकते हैं, फोकल लेंथ अच्छा रहे तो, ठीक ठाक फोकल लेंथ रख कर इसको फोटोशूट कर सकते हैं। और सिल्वर साइड और ब्लैक साइड के बीच में और एक चीज़ है, ये है डिफ्यूज़र। इसका क्या काम है? ये बस लाइट को सॉफ्ट करने में काम करता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि लाइट इधर से आ रहे हैं, तो इसको हम ऐसे पकड़ेंगे तो क्या होगा, लाइट बहुत सॉफ्ट करके दे रहा है, तो मॉडल के ऊपर लाइट बहुत ही सॉफ्ट कर दे रहा है, मतलब ये एक्चुअली लाइट का बहुत बड़ा सोर्स बना देता है। बस इसका काम यही है। और ब्लैक साइड और सिल्वर साइड के अपोजिट साइड में है क्या, गोल्डन साइड। तो गोल्डन साइड क्या करता है ना, गोल्डन साइड और सिल्वर साइड के जैसे काम करता है, तो उसको हम ऐसे पकड़ के जब सिल्वर लाइट ले रहता है तो इसको हम क्या करते हैं, गोल्डन इफेक्ट चाहिए। तो जब हम लोग का इंटेंस होता है कि गोल्डन टाइप का फोटो चाहिए, तभी हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं ऐसे। तो देखिए आप लोग गोल्डन सा इफेक्ट आ रहा है। तो इसको हम यूजुअली ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो एक्चुअली क्या करता है ना, ये एक्चुअली वाइट बैलेंस को बहुत ही बिगड़ देता है। और ये है गोल्डन साइड का अपोजिट साइड में है वाइट साइड। ये एक्चुअली क्या है ना, ये लाइट थोड़ा कम रिफ्लेक्ट करता है। और सिल्वर साइड में क्या होता है ना, लाइट ऐसे पकड़ते हैं तो लाइट बहुत ज़्यादा होता है, और इसको ऐसे पकड़ेंगे तो लाइट थोड़ा कम आता है, मतलब लाइट थोड़ा सॉफ्ट मिलता है। बस इसका काम यही है और कुछ नहीं। तो शायद वीडियो देखकर आप लोग शायद समझ गए कि 5-in-1 रिफ्लेक्टर कहाँ यूज़ होता है और कैसे यूज होता है। तो वीडियो देखकर अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, और इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर देना, और बगल में आया हुआ बेल आइकन उसको भी दबा देना। जब मेरा नया वीडियो आएगा तब आप लोगों को नोटिफिकेशन में आ जाएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।